Hope you wrote your English exam very well. So, the previous days we saw the started the chapter, the address, today's number, day number 16, 15, we were having this chapter. So we saw in this chapter how Miss Darling, she used to come to author's mother and in the pretending that she want to safeguard the valuable belongings of the author and her mother. She used to take in big, big trunks or boxes many valuable things to her house. So here in previous day we saw how the author was telling the first time she saw the lady. Let's see what happens. Okay. So she one day when she was coming downstairs from after her sleep in the morning, this lady was just leaving the room. So the author's mother introduced me to her. There is my daughter, said my mother. तो मुझे दिखा का बोला वो रहा मेरे बेटी है. She beckoned to me. Beckoned मतलब सिग्नल्स मेरे तरफ इशारा करते हुए बोला वो मेरे बेटी है. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. तो coat rack के नीचे ये रखा था. फिर हिलाते वो रैक निकाल के चला गया. नहीं वो सूटकेस निकाल के चला गया. शी वोर ए ब्राउन कोट. उस समय ब्राउन कोट पहने हुए थे एंड ए शेपलेस हैट. तो शी वॉज वियरिंग ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट. डज शी लिव फार अवे. तो मैंने मेरे मम्मी से पूछा क्या वो बहुत दूर रहते हैं. आई हैव सीन द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हेवी केस. वो हेवी सूटकेस लेकर बहुत भारी सूटकेस था उसको बहुत मुश्किल से डिफिकल्टी विद ग्रेट डिफिकल्टी शी वॉज टेकिंग इट. ये देखते हुए मैंने मेरे मम्मी से पूछा क्या है वो बहुत दूर रहते हैं. इन मार्कोनी स्ट्रीट. तो ये पहले बार उनका पूरा एड्रेस बता रहा है. इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माय मदर नंबर 46. तो रिमेम्बर दैट. तो एड्रेस क्या है मार्कोनी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. तो मेरे मदर ने वो एड्रेस बोला बोला याद रखना. आई हैड रिमेम्बर्ड इट. तो मैंने उसे याद किया. बट आई हैड वेटेड लॉन्ग टाइम टू गो देयर. बट इधर छोड़ के जाने के बाद बहुत सालों के बाद ही मैंने वापस आने का सोचा. एड्रेस तो मुझे याद था. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन. देखो ये लिबरेशन मतलब वार हो गया और हॉलैंड जर्मनी के कब्जे में से फ्री हो गया. आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ. तो वार के बाद मुझे इस चीजों पे इतना इंटरेस्ट नहीं था. क्यों मालूम है? बिकॉज उस समय तक उनके मम्मी इस दुनिया से चले गए थे. तो इसीलिए वो चीजें जिसमें मम्मी की यादें थे उसको वापस देखने मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं थे. नेचुरली आई वाज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. उस चीजों को फेस करने में अफ्रेड था क्योंकि उस चीजों में मेरे मम्मी के यादें थे. अफ्रेड ऑफ बीइंग कंफ्रंटेड. कंफ्रंट मतलब फेस करना विथ थिंग्स दैट बिलोंग टू ए कनेक्शन. और क्योंकि उस चीजों को क्या है दैट बिलोंग टू ए कनेक्शन. चीजों में ऐसा कनेक्शन है दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड. वो कनेक्शन मेरे मम्मी से है और मम्मी इस दुनिया में नहीं है. इसीलिए उस चीजों को अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे पुराने मम्मी को बहुत ज्यादा याद आएगा और शायद मैं तो टूट पड़ेगा. मतलब आई माइट क्राई और आई माइट लॉस माई सेल्फ इमोशनली. ये हो जाएगा मैं विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्स एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन. और ये चीजें जो मेरा मदर का था बेकार किसी और के घर में कपबोर्ड के अंदर पड़ा है. ठीक है. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोस इयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. और इतना सालों से वो चीजें की से था थिंग्स था. इसीलिए वो देखो उस चीजें मेटीरियल थिंग है वो इस दुनिया में ही रहा बट मेरा मदर अभी नहीं है. और वो चीजें विच हैड एंड्योर्ड. एंड्योर्ड मतलब वो अभी रहा इस दुनिया में रहा. वो चीजें है अभी एक्सिस्ट करते हैं बिकॉज दे आर जस्ट थिंग्स. दैट्स व्हाई दे आर देयर इन दिस वर्ल्ड नाउ ऑल्सो. बट उस चीजों से जुड़ा हुआ मेरा मदर अभी इस दुनिया में नहीं है. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. और अभी वार के बाद आपको मालूम है वार टाइम पे ना सब सब चीजें अबनॉर्मल हो जाता है. कि जो ब्रेड एंड बटर ब्रेड वगैरह खाने की चीजें सब महंगा हो जाते हैं. सब लोगों को घर भी छोड़ के जाना पड़ता है. तो नॉर्मल होने लगे चीजें. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. ब्रेड लाइटर कलर का मतलब सस्ता होने लग गया. देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड. वार के टाइम पे हमेशा थ्रेट होते हैं.
बट अभी एक घर हुआ जहां पे हम अनथ्रेटेड घर घर है, अब हम जर्मनी के अधीन में नहीं है, इसलिए फ्रीली एक घर में हम फ्रीली स्लीप कर सकते हैं। ए रूम विथ ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। और पहले एक ऐसा रूम पे जहां रहते जिसके अंदर ही रहना पड़ता था, हमेशा बाहर ही एनिमी के थ्रेट से। एंड वन डे आई नोटिस इट वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल एंड वन डे आई नोटिस एक दिन में नोटिस किया कि आई वॉज क्यूरियस आई बिकेम क्यूरियस मुझे क्यूरियोसिटी आ गया मेरे मन में अबाउट ऑल द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। कि एक दिन मुझे एकदम से वो ख्याल आया मेरे मम्मी से वो चीजों के बारे में, वो अभी भी किसी घर पे, मतलब एड्रेस क्या था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट का उसी घर पे अभी भी हो सकता है। तो एक दिन मुझे वो क्यूरियोसिटी आ गया, जिज्ञासा आ गया मेरे मन में एक दिन। आई वॉन्टेड टू सी दम टच रिमेम्बर। और मेरे मन में ख्याल आया वो चीजों में मेरे मम्मी के यादें हैं, तो उस चीजों को मुझे देखना है, उसको टच करना है और यादों को ताजा करना। हाँ, तो मैं फर्स्ट विजिट इन वेन टू, तो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा फर्स्ट बार वो मिसिस डॉर्लिंग के घर गया तो उन्होंने किस तरह उनको वापस भेज दिया था। मैंने सेकंड बार एक और बार गया उधर। हाँ, तो मैं फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइड टू ट्राई ए सेकंड टाइम, एक और बार जाने का कोशिश किया मैंने। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। तो अभी एक 15 साल का बच्चा आया डोर खोलने के लिए। आई आस्क्ड इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हारे मदर घर पे है। नो शी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरंड। एरंड मतलब किसी पड़ोस के किसी के लिए कुछ काम करना, जैसे दुकान में जाकर कुछ छोटे मोटे काम हेल्प करना, उसको कहते हैं एरंड। माई मदर इज डूइंग एन एरंड। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं मैं इनके लिए वेट करेगा। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं इनके पीछे पीछे गया अंदर घर के अंदर। एंड ओल्ड फैशन आयन हनुका, हनुका मतलब एक फेस्टिवल है उसमें यूज करने वाला एक कैंडल होल्डर, मतलब नॉर्मली हम एक कैंडल इसमें बहुत सारा कैंडल एक साथ रख सकते हैं, वो हनुका नाम फेस्टिवल में यूज करते हैं। तो एक ऐसा एक कैंडल होल्डर था अंदर, हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, मिरर की साइड पर रखा था। वी नेवर यूज इट, तो वो भी मेरा ही था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कंबर्सम, कंबर्सम मतलब डिफिकल्ट टू यूज, डिफिकल्ट एक जगह से कैरी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते थे, वरना हम एक ही जगह पे रखते थे उसको। तो वो भी मेरा ही था, तो मैंने देखा उसको मिरर के पास रखा हुआ था। ए कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर, वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कंबर्सम, मतलब डिफिकल्ट टू कैरी देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट हनुका कैंडल होल्डर। उस समय लड़की ने पूछा वोंट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल, शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। तो उन्होंने एक रूम का दरवाजा खोलकर मुझसे बोला तुम बैठिए, और अंदर पैर रखते मैं चौंक गया, आई वॉज सरप्राइज बिकॉज आई स्टॉप हॉरिफाइड, बहुत शॉक्ड हो गया मैं। वाई वॉज यू स्टॉप, आई वॉज इन रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, मैं एक रूम में था पहली बार उस रूम में गया, बट मुझे उस रूम को बारे में पता था क्यों कैसे, बिकॉज उस रूम से जो भी चीज था सब कुछ मेरा था। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आई वॉज इन ए रूम आई न्यू, न्यू मतलब उधर का सारा चीजें मुझे मालूम था, बट स्टिल आई डोंट डिड नॉट नो, डिड नॉट नो का मतलब है उस रूम तो मेरे लिए पहली बार आया, बट उसके जो चीजें हैं सब कुछ मुझे पहचान का वाला, जान पहचान वाला चीज है। आई फाउंड मायसेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, और मैं ऐसे चीजों के बीच में खड़ा था। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, तो ऐसे चीजों के बीच में खड़ा था जिनको देखने के लिए मैं इतना दूर आया हूँ, जितना देखने के लिए मैं तरस रहा था, जितना देने के लिए मेरा इच्छा हो रहा था, और वो आई वॉज थोड़ा डिप्रेस हो गया था क्योंकि वो एक स्ट्रेंज एटमोसफियर में था। मेरे कबोर्ड में होने वाला चीज मेरे कबोर्ड में जिस तरह मेरे मम्मी ने संभाल के रखा था, बट वो अलग किसी और के घर पे किसी और कंडीशन में पड़ा, तो मुझे थोड़ा डिप्रेस हो गया उसको देख के। एंड ऑल्सो दैट ये भी रीजन हो सकता है डिप्रेस होने का, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और उस घर में वो चीजें मेरा वैल्यूबल चीजें अच्छी तरह नहीं रखा हुआ था, मतलब इधर उधर बिखरा हुआ जैसा लग रहा था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, और उधर का
कबोर्ड और ये सब अगली था एंड उसमें इधर घर के अंदर से बहुत गंदा स्मेल भी आ रहा था और द मगी स्मेल दर हंगर मगी मतलब वो नमी का वो स्मेल कपड़े वगैरह सूखते नहीं तो उसका वो गंदा स्मेल भी आ रहा था आई डोंट नो क्या रीजन है मुझे मालूम नहीं बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी बट मुझे हिम्मत नहीं था बाहर चारों तरफ देखने का मुझे पता नहीं क्या रीजन है मुझे डिप्रेशन हो गया मैं ये सब चीजें देखकर शायद हो सकता है कि मेरा चीजें किसी और के घर में देखने की वजह से या किस गंदे तरह से वो चीजें रखा हो रीजन तो मुझे मालूम नहीं बट उस चीजों को चारों तरफ उसको देखने का मुझे हिम्मत नहीं था द गर्ल मूड ए चेयर तो गर्ल ने एक चेयर रखा आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ और उधर टेबल पे बिछा हुआ कपड़ा भी वुलन कपड़ा भी मैं देखा वो भी मुझे पहचान था मुझे अच्छी तरह मालूम था वो कपड़े के बारे में भी क्योंकि वो भी हमारा ही है आई रब्ड इट मैंने वुलन टेबल क्लॉथ को रब किया माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग और थोड़ा रब करने की वजह से मेरा फिंगर्स वार्म हो गया आई फॉलोड द लाइन टू द पैटर्न उसके साइड में एक डिजाइन था उसमें मैंने अपना हाथ ऐसे फॉलो किया समवेयर ऑन द एज क्यों किया क्योंकि समवेयर ऑन द एज जिसका एज में कहीं देयर शुड बी ए बर्न मार्क उधर कोई बर्न मार्क था जो मुझे पता था कि ऐसा उसको ढूंढते हुए मैंने अपने उंगली को ऐसे लेके गया दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड तो जब वो मेरे पास था ये वुलन टेबल क्लॉथ उसमें एक बर्न मार्क था जिनको हमने रिपेयर नहीं किया था तो मैं ढूंढ रहा था कि वो अभी भी है क्या नहीं तो टेबल क्लॉथ भी हमारा ही था तो माय डियर स्टूडेंट्स दैट द एंड ऑफ द क्लास रीड द चैप्टर ट्वाइस प्रॉपरली हैव ए वंडरफुल डे